लवली फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी कि आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर पढ़ा, तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा, आपके अंगूठे पर लिखा है आपके जीवन साथी का नाम। तो लिखा तो है, लेकिन हम पढ़ें कैसे, कैसे जाने कि क्या ये सही है या नहीं है, और जो हम नाम पढ़ रहे हैं क्या वाकई में वही हमारे जीवन साथी का नाम है। तो इस तरह की बहुत सारी जो सस्पेंस है उनको क्लियर करने का टाइम इस वीडियो में आज है। तो मैं इसी को लेकर के आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको जो मूल जानकारी हो, खो ना हो कहीं बीच में, स्किप हो जाए। तो इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री को, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन से आप चूक ना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जानते हैं कि अंगूठे पर कौन कौन से इंग्लिश के लेटर्स हो सकते हैं, और हम कैसे जान सकते हैं कि किस लेटर से क्या नाम हमारे जीवन साथी का निकलेगा, और जीवन साथी क्या वाकई में इस लेटर से रिलेटेड होगा उसका नाम, इस लेटर का उसके ऊपर कितना प्रभाव देखा जाएगा, या उससे रिलेटेड कितना सुख हमें जीवन में मिलेगा, ये सारी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हर एक व्यक्ति के अंगूठे पर यहां पर कोई ना कोई लेटर छपा होता है, या गुदा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरली यहां पर बना होता है। दोस्तों अंगूठे के ऊपर अमूमन केसेस में लगभग सबके अंगूठे के ऊपर कुछ ऐसे चार या पांच लेटर हैं, इंग्लिश के वर्ड हैं स्टार्टिंग कि, जो होते ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, अमूमन ज्यादातर सबसे ज्यादा दिखने वाला जो लेटर है वो है एस, एस फॉर सन। एस सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में जब आप देखेंगे तो एस ही दिखाई देता है, और केवल अंगूठे पर ही नहीं बाकी की उंगलियों पर भी दिखाई दे सकता है। कई लोगों के यहां अंगूठे पर कोई भी लेटर नहीं बनता, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड नहीं बनता स्टार्टिंग नेम का, तो उनके बाकी के मतलब उंगलियों पर, दूसरे हैंड की या फर्स्ट हैंड की, राइट लेफ्ट हैंड की जो है उंगलियों पर कोई भी लेटर उभरा हुआ हो सकता है, वो भी अंग्रेजी का। लेकिन दोस्तों अब बात यहां पर यह आती है कि स्त्री और पुरुष, कहते हैं ना दायां और बायां, तो कौन सा हाथ के अंगूठे पर लिखा हुआ लेटर माना जाएगा, लेफ्ट हैंड के या राइट हैंड के, स्त्री के कौन सा हाथ माना जाएगा और पुरुष का कौन से हाथ के ऊपर लेटर लिखा हुआ माना जाएगा उसके जीवन साथी का नाम। तो दोस्तों चाहे लेडीज हो या जेंट्स, तथ्य के अनुसार, प्रोसेसर के अनुसार, जो भी प्रोसीजर है इसका, इस गणित को जानने का, इस नाम को जानने का, वो इस प्रकार से है कि चाहे लेडीज का या जेंट्स का कोई भी हाथ हो, लेफ्ट हो, राइट हो, कोई भी हो, बस लेटर होना चाहिए, अंगूठे पर हो, उंगलियों पर हो, दूसरे हाथ की उंगलियों पर हो, लेटर होना चाहिए, और जो भी लेटर स्पष्ट रूप से क्लियरली दिखाई देगा, बना हुआ होगा, उभरा हुआ होगा, उसी लेटर से नाम का जायजा लगाया जा सकता है, उसी लेटर से स्टार्ट होगा उसके जीवन साथी का नाम। अब वो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, यही नियम आपके ऊपर लागू होते हैं। दोस्तों
अब ये है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये विद्या जो आप सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंगूठे में ढूंढ रहे हैं, लोग YouTube पर सर्च कर रहे हैं, Google में सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके अंगूठे पर किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, आप भी जानना चाहते हैं बिल्कुल, तो आपके लिए ही दोस्तों मैं यहां पर ये वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आप सही से सही और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। सो दोस्तों जैसे कि आप ढूंढ रहे हैं या सब ढूंढ रहे हैं, तो अंगूठे के ऊपर या फिर उंगलियों के ऊपर कौन सा जो है उभरा हुआ अक्षर है और उस अक्षर को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसको जानने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं अपने अंगूठियों पर कौन कौन से अक्षर हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये जो प्रोसीजर है अक्षर को देखने का और नाम को जानने का वो इस प्रकार से है कि ये तथ्य और ये प्रोसीजर और ये गणित, ये एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि पाल्मिस्ट्री का ये पॉइंट है, तो ये पाल्मिस्ट्री का जो बात है ये कहां से आई है। देखिए हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में पाल्मिस्ट्री भी है, हस्तरेखा जिसे कहते हैं, या फिर सामुद्रिक शास्त्र भी है, तो सामुद्रिक शास्त्र में अंगूठा या हाथ इत्यादि इसी को ही पाल्मिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो शास्त्र है हस्तरेखा का, सामुद्रिक शास्त्र है, इस शास्त्र के अंतर्गत अंगूठे के बारे में या फिर हाथ के बारे में या फिर फेस के बारे में, फेस रीडिंग इत्यादि शरीर से संबंधित बातें आई हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और कहीं प्रमाणित नहीं होता कि अंगूठे के ऊपर ये जो मांस इकट्ठा हो रहा है और इसके इकट्ठे होने से या बाकी उंगलियों के ऊपर इकट्ठे होने से मांस के ऊपर जो है अंग्रेजी का लेटर स्थापित हो जाता है, बन जाता है, तो वो उसके जीवन साथी का नाम है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ये बात बिल्कुल निरर्थक है, असत्य है और इसका कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, बाकी पाल्मिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें तथ्य के अकॉर्डिंग और रीजन दिया जाता है उसमें, यहां पर कोई रीजन नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक दंत कथा मात्र में कहूंगा कि सुनी सुनाई बात है, किसी ने बनाई तो लोगों ने मान लिया और आज YouTube के माध्यम से, Google के माध्यम से लोग जो हैं सर्च कर रहे हैं और अंगूठे पर लेटर जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन साथी का, हमारे जीवन साथी का नाम क्या है। अधिकतर लोगों के अंगूठे के ऊपर, अधिकतर लोगों के अंगूठे या उंगलियों के ऊपर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पाए जाने वाला जो लेटर होता है, जिसे हम ज्यादा देखते हैं, वो है लेटर एस। आपने देखा होगा एस अमूमन लोगों के अंगूठे या उंगलियों पर बनता है। इसके अलावा एम भी बहुत ज्यादा बनता है, डब्ल्यू बनता है, जेड बनता है, ओ बहुत रेयर केसेस में, ई रेयर केसेस में बन जाता है, जी रेयर केसेस में होता है, डी रेयर केसेस में होता है और एल, यानी कि ज्यादातर अमूमन एस एम डब्ल्यू जेड या फिर एन, ये चार पांच लेटर जो हैं बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में बनते हैं। तो ये दंत कथित और सुनी सुनाई बात लोगों तक पहुंच गई है कि लेटर देखिए अपने उंगली के ऊपर और जानिए कि ये इससे, अब किसी के एन लिखा है, आप लगाइए चार या पांच लेटर कुल हैं और ये सभी करोड़ों लोगों के उंगलियों पर है, तो क्या सभी के जीवन साथियों का नाम केवल इन चार अक्षर से ही स्टार्ट होगा? पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों जन्म कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का क्या नाम होगा। अगर आप जानना चाहते हैं वाकई में, तो इस वीडियो जो आज बन रही है, इस वीडियो से पहले एक वीडियो आ चुकी है जिस वीडियो का टाइटल है हमारा, आपकी कुंडली में लिखा है आपके जीवन साथी का नाम। इस टाइटल से आप सर्च कीजिए और आपको हमारी वीडियो जरूर मिल जाएगी। उसमें हमने एक लॉजिकल
लॉजिकली आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने जीवन साथी का नाम जान सकते हैं अपने कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो कई माध्यम है और प्रमाणिक बातें हैं और देखा जाता है, तो उसका आप मान सकते हैं और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन से संबंधित बात बता सकती है। तो यदि आपको भी जानना है कि वाकई में आपके लाइफ पार्टनर का नाम, जीवन साथी का नाम क्या हो सकता है, वो आप देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि वाकई में क्या। उसमें भी हमने आपको इंग्लिश के थ्रू ही, इंग्लिश के ही कुछ लेटर, कुछ क्या सारे लेटर जो हैं दिखाए हैं और बताए हैं कि किस तरीके से आपके जीवन साथी का नाम यहां पर निकल सकता है। रही अंगूठे पर नाम देखने वाली बात, तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए अंगूठे पर जो ये मांस है और ये मांस जो इकट्ठा होता है, क्योंकि ये लूज होता है यहां पर मांस, और इसका लॉजिक या फिर इसका कारण ये है कि यहां पर ये मांस दिया गया है ताकि हमारी उंगली जो है अच्छी तरीके से फोल्ड हो पाए, वर्क कर पाए, ना कि ये आपके जीवन साथी का नाम यहां पर बन रहा है। वो तो प्राकृतिक रूप से लेटर का शेप ले लेता है, और इसी उंगली की बात नहीं, आप सभी उंगलियों में चेक कर सकते हैं। अकस्मात हो सकता है कि किसी के जीवन साथी का नाम एस से, एम से, जेड से और ओ से या इन लेटर्स से उसका नाम स्टार्ट हो, ये अकस्मात ही है, लेकिन प्रमाणित नहीं। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़े। और दोस्तों, अगर इस ये जो लूज हुआ है मांस या मांसपेशियां आप कह सकते हैं, जो कि हमारे अंगूठे उंगलियों को मुड़ने में मदद करता है, काम करने में मदद करता है, अगर हम इसको, आप देखेंगे अगर हम इसको पकड़ लें जोर से तो आपकी उंगली मूव नहीं कर पाएगी। तो ये इसका लॉजिक है, ये बेस उंगलियों का बेस है, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा जिनकी एक उंगली या फिर हाथों की उंगली किसी एक्सीडेंटल केसेस की वजह से या फिर कटने की वजह से या फिर पैदाइशी कई लोगों का होता है कि वो उंगलियां, हाथ तो होता है लेकिन उंगलियां मूव नहीं कर पाती, मुड़ नहीं पाती, टर्न नहीं कर पाती। उसका कारण यही होता है कि आप चेक करेंगे तो उसके ऊपर का ये जो उंगलियां हैं या उंगलियों के अंगूठे के ऊपर जो ये मांस एक्स्ट्रा होता है, जिसे लूज होता है, ताकि ये अंगूठा हमारा जो है मुड़ पाए, और उनके नहीं होता, ये बिल्कुल चिपका हुआ है या फिर फ्लैट होता है, जिसके कारण जो है जो उनकी बोन है वो बोन घूम तो सकती है लेकिन मांस अधिक ना होने, लूज ना होने के कारण उनकी उनकी वो उंगली या हाथ मुड़ नहीं पाता है। इसलिए ये इसका बेस है, ये इसका लॉजिक है, ये इसका तथ्य है। ना कि अगर ना कि आपके जीवन साथी का नाम इन पर लिखा है, ये बिल्कुल ही असत्य है, निरर्थक है, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने अंगूठे पर या उंगलियों पर अपने जीवन साथी का नाम ढूंढ रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हां, अगर आपको जानना है कि किस राशि का किस राशि का लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उम्र भर साथ निभाएगा, प्यार प्रेम बना रहेगा, जीवन अच्छा बना रहेगा, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए। उस वीडियो का टाइटल मैं दोबारा आपको बता देता हूं, और आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है स्क्रीन एंड में आपको दिख जाएगा वीडियो, तो आप उस पर जा सकते हैं, या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक हम दे रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर YouTube पर, Google पर आप सर्च कर सकते हैं आपके कुंडली में लिखा है आपके जीवन साथी का नाम। तो दोस्तों, ये थी समस्त जानकारी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड गेट अपॉइंटमेंट फर्स्ट फॉर कुंडली एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड वैदिक रेमेडीज। टिल देन, जय श्री कृष्णा।